इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम। आज पूरी दुनिया में अगर किसी मौजू पर बहस हो रही है तो भारत चीन तनाजे पर। क्या भारत चीन जंग होगी? आखिर चीन भारत की जमीन क्यों हड़पना चाहता है? गलवान घाटी क्या है? भारत के वजीर आजम ने भारत की जमीन पर कोई भी नहीं दाखिल हुआ ऐसा क्या कहा आखिर प्रधानमंत्री से? गलवान घाटी के लोग नाराज हैं, भारत के खिलाफ चारों तरफ से घेराबंदी करने की पूरी कोशिश चीन कर रहा है। 1962 की जंग भारत हार चुका था, पर अब भारत काफी हद तक फौजी लिहाज से आगे बढ़ चुका है। चीन के लिए भारत से जंग करना उतना आसान नहीं है, पर कांग्रेस बार बार मोदी हुकूमत पर सवाल उठा रही है कि मोदी गैर जिम्मेदाराना बयानात देते हैं। सभी जानते हैं कि भारत के 20 जवान शहीद हुए हैं। पूरी दुनिया की मीडिया ने भी इस 20 जवानों की शहादत की खबर दिखाई। भारत की मीडिया ने 20 के बदले 42 फौजी चीन के मारने की बात कही, पर चीन के साथ विदेश मीडिया ने इस बात को गलत कहा कि और कहा कि भारत की मीडिया ने जो कहा है चीन ने इसे फेक न्यूज़ कहा है। वजीर आजम के बयान को गलवान घाटी के लोगों ने गलत कहते हुए कहा कि चीन की फौजियों ने अपना कब्जा आज भी जमाया हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ के जानवर यानी कि गलवान घाटी के जानवर जो वहाँ जाकर चरते थे वो चर नहीं सकते। वाजा रहे कि गलवान घाटी में भारत की जगह है और चीन ने घुसपैठ की है, जिसे वजीर आजम मानने को तैयार नहीं। कांग्रेस ने इस बात पर भी मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की है कि चीन भारत के फौजी अफसरान की बातचीत जारी है, पर तनाव कायम है। क्या आप जानते हैं कि गलवान घाटी क्या है और इसे गलवान घाटी क्यों कहा जाता है? जब से भारत चीन तनाजा बढ़ा है, गलवान घाटी का नाम दुनिया भर में मशहूर हो गया। चीन भारत की पहाड़ियों के दरमियान जो घाटी है इसे गलवान घाटी कहा जाता है। इसका नाम गुलाम रसूल गलवान के नाम से अंग्रेजों ने रखा हुआ है। गुलाम रसूल गलवान एक बहादुर शख्स था जिसने 1899 में इस घाटी में फंसे अंग्रेजों की मदद की और इन्हें सही सलामत बाहर निकाला। अंग्रेजों ने गुलाम रसूल गलवान की इस बहादुरी से खुश होकर इस घाटी का नाम गलवान घाटी रखा। सर्वेंट ऑफ साहिब किताब में लिखा है, जब अंग्रेज घाटी की तहकीक के लिए निकले तो इस घाटी में पेश पेश रहकर अंग्रेजों को रास्ता इनके रहबरी करने वाले और नदी की खोज करने वाला भी 21 साल का नौजवान गुलाम रसूल गलवान ही था। इसकी बहादुरी और शुजात के कई अंग्रेजों ने इसे गलवान घाटी कहना शुरू किया। गुलाम रसूल गलवान 1878 में लेह में पैदा हुए। 12 साल की उम्र से ही ऊंची पहाड़ों पर चढ़ना इनका शौक था। यहाँ वैसे भी बाहरी मुल्कों से आने वाले सैलानियों का कारोबार ही ज़्यादा रहता है, बुनियादी रोजी रोटी का जरिया यही है। लिहाजा 12 साल की उम्र में अंग्रेजों को पहाड़ों पर चढ़ने की तालीम देना और दीगर इलाकों में सैलानियों का दौरा कराना इनका काम था। जब 21 साल के हुए तो यह हादसा पेश आया कि गुलाम रसूल अंग्रेजों के दस्ते के साथ जो तहकीकी दस्ता था गलवान घाटी में फंस गया। किताबों में लिखा है, मशहूर अंग्रेज और आर्मी कैप्टन फ्रांसिस एडवर्ड यौन हुसबंद कहते हैं कि कई दिनों तक फंसे रहे और बर्फीली पहाड़ों में जिंदा रहना मुश्किल था। तब गुलाम रसूल गलवान ने पूरे दस्ते को बचाया। किताब में उन्होंने बेहद बहादुर शख्स के तौर पर गुलाम रसूल गलवान को याद किया गया और तब से गलवान घाटी के नाम से जाना जाने लगा। यह भी बताया जाता है कि इस घाटी का बड़ा हिस्सा अंग्रेजों ने खुश होकर गुलाम रसूल गलवान को दिया, यानी कि तोहफे में दिया। गलवान घोड़ों की तिजारत करने वालों को कहा जाता है। गलवान कबीला भी है जो आपको पाकिस्तान कश्मीर में पाया जाता है। आज भी यह कबीला मौजूद है। कश्मीर में गलवानपुरा नाम का एक गांव है। गुलाम रसूल गलवान का मकान लेह में मौजूद है और इनका खानदान भी है। गलवान घाटी में चीन से हुए तनाजे के बाद कई सहाफियों ने गुलाम रसूल गलवान की चौथी नस्ल मौजूद है। गुलाम रसूल के पोते मोहम्मद अमीन फिलहाल यूटुंग इलाकों में छोटा सा गेस्ट हाउस चलाते हैं। फिलहाल मसरूफ इसलिए हैं क्योंकि दुनिया भर से सहाफी इनकी मुलाकात करने के लिए पहुंच रहे हैं। इनके पास बतौर दलील किताब है और इन्हें फक्र है कि दादा ने क्या कारनामे अंजाम दिए। मोहम्मद अमीन कहते हैं कि लेह लद्दाख से पहाड़ों को फांद कर पैदल कश्मीर जाने वाले दादा पर हमें फक्र है। गुलाम रसूल गलवान के पोते मोहम्मद अमीन कहते हैं
कि जब अंग्रेजों ने गलवान घाटी मेरे दादा को दी थी और दादा भारतीय हैं, तो फिर गलवान घाटी पर चीन का कब्जा कैसे हुआ? गलवान घाटी भारत का ही हिस्सा है और इस पर जबरदस्ती कब्जा चीन ने जमाया, ऐसा मोहम्मद अमीन का कहना है। भारत के वजीर आजम ने किसी भी तरह की घुसपैठ नहीं होने की बात पर गलवान घाटी की आवाम गलत कहती है, क्योंकि इसी घाटी में इनके जानवर चरते हैं जहां चीनी फौजी दाखिल हुए। कांग्रेस सवाल तो सही पूछ रही पर वक्त गलत है। मीडिया मोदी हुकूमत की चापलूसी में इस कदर लीन और अंधभक्ति से मुतासिर है कि भारतीय फौजियों की शहादत को भी तौहीन करने से डर नहीं लगता। भारत के फौजियों की शहादत को फौजियों की लापरवाही कहना और चीनी फौजी दाखिल होने तक भारत के फौजी क्या कर रहे थे, ऐसा सवाल खड़ा करना ही फौजियों की तौहीन है। मोदी हुकूमत को बचाने के लिए फौजियों को गलत साबित करने वाली मीडिया पर क्या कार्रवाई की जरूरत नहीं है? वरना जांबाज भारतीय सिपाहियों के हौसले पर असर हो सकता है। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।